कोई कंपैरिजन नहीं है, मतलब याद आ जाएगी आपको अपने वही बचपन की जो घंटी बजती थी कुल्फी की और हम सब भागते थे बाहर लेने के लिए कुल्फी। आज बनाने जा रही हूँ ठेले पर मिलने वाली सबकी पसंदीदा रबड़ी मलाई कुल्फी। ठेले वालों के और बाजार वालों के वो दो सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ जिसके बाद तो जब भी आप मलाई कुल्फी बनाएंगे एकदम वही स्वाद जो आप ठेले पर से लेकर खाते हैं घर में ही मलाई कुल्फी बनाना शुरू करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो से तीन चीजों से। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठंडी ठंडी ओरिजिनल ठेले जैसी रबड़ी मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप चढ़ाइए एक भारी तले की कढ़ाई और कढ़ाई में सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे लगभग दो से तीन बड़े चम्मच पानी, बहुत ही थोड़ा सा। अब इसमें यहाँ पर जाएगा एक लीटर दूध। आप यहाँ पर दूध वैसे कोई भी ले सकते हैं, जो सुबह घर में आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुल्फी के लिए आप एकदम गाढ़ा वाला दूध होता है ना फुल फैट मिल्क जिसके पैकेट्स भी आते हैं वो लेंगे तो और भी बढ़िया, क्योंकि दूध अगर आप पतला लेंगे तो उतनी ज्यादा देर तक आपको दूध को पकाना होगा फिर गैस का ज्यादा खर्चा हो जाएगा। गाढ़ा दूध लेंगे टेक्सचर भी बढ़िया आएगा गैस भी बच जाएगी। आज वाली जो रेसिपी है आपके बचपन में भी आपने खाई होगी एकदम ठेले वाली जो कुल्फी होती है ऑथेंटिक रबड़ीदार मलाईदार कुल्फी बिल्कुल वो बनेगी। ऐसी टिप्स और ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी आपको जो ठेले वाले भी किसी को नहीं बताते। असली रबड़ी मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी रबड़ी, वो प्रोसीजर अगर आपको सही से आ गया तो 100% आपकी कुल्फी एकदम मलाईदार बनेगी। तो दूध को बीच बीच में एक दो बार चला दे और इसमें एक उबाल आने दे। थोड़ा सा पानी हमने इसलिए डाला था जिससे कि जो दूध है वो तले में चिपके नहीं। और ये देखिए एक उबाल बिल्कुल बढ़िया से हाई फ्लेम पर आ गया है एकदम बेहतरीन। अब हमें क्या करना है इस स्टेज पर फ्लेम को तो कर दीजिए आप लो मीडियम, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए हमें दूध को गाढ़ा करना है, मतलब 50% कर लेना है अपनी क्वांटिटी से। बिल्कुल असली वाला तरीका आपको बता रही हूँ, जो ओरिजिनल रबड़ी कुल्फी होती है ना तो वो टेक्सचर और खाते ही पता चल जाती है। आप बनाकर देखिए, कभी कॉर्नफ्लोर या अरारोट डालकर आप बनाकर देखिए, मैंने घर में बना रखी है दोनों तरीके से, टेक्सचर टेस्ट पहली बार में ही आपको समझ में आ जाएगा खाने से। इसका जो टेस्ट है असली वाला रबड़ीदार, मतलब खो जाएंगे इसके स्वाद में, हेवन जैसा लगेगा एक बाइट खाते ही, बिल्कुल लगेगा जैसे बाजार की जो असली ऑथेंटिक कुल्फी होती है बिल्कुल वही वाला। तो मैंने फ्लेम को कर दिया अब यहाँ लो मीडियम, बीच बीच में एक दो बार चला देंगे और इसको धीमी आंच पर गाढ़ा होने देंगे और जो मलाई आ रही है ना साइड साइड से वो इस तरह से हल्का हल्का छुटाते हुए इसी में मिक्स करते जाएंगे, इससे इसका गाढ़ापन बढ़ेगा टेस्ट बढ़ेगा। और ये देखिए दूध पकते पकते आप देख सकते हैं पहले से क्वांटिटी कम भी हो गई है और दूध पहले से गाढ़ा लग रहा है। मुझे लगभग 7 से 8 मिनट हुआ है और दूध काफी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर करेंगे एक ट्रिक जो कि ठेले वाले भी करते हैं। आप चढ़ाइए गैस पर एक पैन, फ्लेम को रखेंगे यहाँ पर लो मीडियम और इसमें हम डालेंगे बड़े चम्मच से 5 चम्मच चीनी। अगर वजन से बोलूं तो लगभग 80 ग्राम के करीब मैं चीनी डाल रही हूँ और चीनी को पैन पर बस इस तरह फैला लीजिए। हमें यहाँ पर चीनी को करना है कैरेमलाइज्ड। जब आप चीनी को इस तरह से पिघला कर कैरेमलाइज्ड कर कुल्फी के दूध में डालेंगे तो बेहतरीन तो टेक्सचर आएगा कुल्फी का और बेहतरीन कलर और टेस्ट तो पूछिए मत। यही करते हैं ठेले वाले भी, फ्लेम को लो मीडियम पर, चीनी को चलाएंगे नहीं इसी तरह से रखेंगे। ये देखिए चीनी अपने आप ही मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, ज्यादा चलाइएगा नहीं, बस इस तरह से पैन को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। ये देखिए फटाफट से मिनटों में ही चीनी मेल्ट हो गई, हल्का सा इस तरह चलाएंगे पूरी चीनी बस पिघल जाए हल्का सा कलर आ जाए, दैट्स इट। और लो फ्लेम पर हम अपनी कैरमलाइज्ड शुगर को धीरे से डाल देंगे दूध में, तेजी से बबल्स आएंगे तो घबराइएगा मत, थोड़ी दूरी से खड़े होकर आप इसे डाल दें। ये स्टेप करना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठेले जैसी कुल्फी मैं आपको बता रही हूँ तो उसके लिए आप ये स्टेप जरूर करें, डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा टेस्ट का। और अच्छे से करें मिक्स, बहुत ही जल्दी जो कैरमलाइज्ड शुगर है वो दूध के साथ मिक्स हो जाएगी। और ये देखिए हमारी कैरमल शुगर बिल्कुल बढ़िया से दूध में मिक्स हो गई है, परफेक्ट। और देखिए कलर एकदम से चेंज हो गया, आ गया ना कुल्फी जैसा कलर। और बस इस स्टेज पर अब इसमें डालेंगे दूसरी सीक्रेट चीज जो हर बाजार की यानी ठेले वाली कुल्फी में जरूर पड़ती है, वो भी स्पेशली रबड़ीदार कुल्फी में, और वो है मावा। 100 से 125 ग्राम आप दूध का मावा डालें, यही वो असली चीज है जो कुल्फी को बनाती है एकदम क्रीमी और रबड़ीदार, असली स्वाद जगाती है कुल्फी की रबड़ी में। मस्ट ट्राई है मावे के साथ। यदि आपके पास मावे की सुविधा नहीं हो पाए तो फिर यहाँ पर आप डालिए लगभग 100 ग्राम के करीब दूध का पाउडर, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मावा ही डालें।
मावा डालने के बाद लो फ्लेम पर दूध को अच्छे से चलाते हुए थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे कि सभी चीजें आपस में मिलजुल जाएं, एकदम बढ़िया रबड़ीदार हमारा दूध तैयार हो जाए। और यहीं पर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, बढ़िया से कर देंगे मिक्स। और ये देखिए लगभग 6-7 मिनट मैंने और इसको लो फ्लेम पर पका लिया है। ये देखिए इसका कलर और टेक्सचर, मतलब ऐसा मन करेगा कटोरी में ऐसी लेके चम्मच से खा ले। इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है दूध पकने की और एकदम गाढ़ी कंसिस्टेंसी, मतलब जब आप इसमें करछी या चम्मच डिप करें तो देखिए इस तरीके की कोटिंग आ जानी चाहिए। ये देख रहे हैं, इसका मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कुल्फी के लिए। ज्यादा और गाढ़ी नहीं करेंगे वरना यहीं पर हमारी रबड़ी जमने लगेगी। इस स्टेज पर जब बिल्कुल बढ़िया से हमारी क्रीमी क्रीमी रबड़ी तैयार हो जाए तो हम गैस को करेंगे बंद, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना अभी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इससे ज्यादा इसको बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करेंगे, परफेक्ट। तो बस गैस को बंद करके इसको ट्रांसफर करेंगे एक बोल में, पूरी तरह ठंडा होने देंगे। और अभी काफी गर्म है हमारा मिक्स, तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप प्लेन खाना चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं कुल्फी, वरना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अपने मन के आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं बारीक कटे हुए काजू और बादाम डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब। बस तो इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद भरेंगे कुल्फी मोल्ड्स में। तो लीजिए, देखकर ही आ गई ना आपको अपने बचपन की याद, क्योंकि हम बना रहे हैं असली ठेले वाली कुल्फी। तो असली ठेले वाली कुल्फी तो भाई इसी मोड में मिलती है। अच्छा, मुझे ना एक ठेले वाले भैया ने ये कुल्फी मोड दे दिए थे, इजीली आप किसी भी कुल्फी वाले को बोलेंगे वो आपको आसानी से ये वाले कुल्फी के मोड होते वो दे देंगे। किसी भी होलसेल मार्केट में जाएंगे तो वहां भी आपको ये कुल्फी के मोड इजीली मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि भाई आपको असली वाली कुल्फी बता रही हूं तो असली वाले मोड भी होने चाहिए। तो कुल्फी मोड में कुल्फी मिक्स भरने से पहले ये देखिए, मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन में ली है कुटी हुई बर्फ, अच्छे से बर्फ को लिया और उसको कपड़े में रखकर अच्छे से कूट लिया। ये मैं वो तरीका बता रही हूँ जैसे आपने देखा होगा ना जो ठेले पर कुल्फी मिलती है, एक बड़ी सी पेटी होती है उस बर्फ बिछी हुई रहती है और नमक बिछा हुआ रहता है, जिससे कि जो बर्फ का टेम्परेचर है और लो हो जाता है। तो मैंने ये कुटी हुई बर्फ इसमें डाल दी। अब इस पर हम डाल देंगे सिंपल नमक। नमक डालने से जो बर्फ का टेम्परेचर है वो और लो हो जाएगा, एकदम चिल्ड हो जाएगा, जिससे जब आप कुल्फी मोड लगाएंगे तो फटाफट से कुल्फी जमना शुरू हो जाएगी। और इसमें ऊपर से बर्फ और डाल देंगे इस तरह से, फिर से थोड़ा सा नमक डालेंगे और बर्फ डाल देंगे। ये देखिए परफेक्ट। अब हम लेंगे हमारा कुल्फी वाला मोल्ड और इसमें भरेंगे कुल्फी मिक्स। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, उसके बाद ही हमें कुल्फी के मिक्स को भरना है। अच्छा, ये वाले मोल्ड ना भी हो ना, चाहे तो आप स्टील के ग्लास में जमा लीजिए, चाहे पेपर ग्लास में जमा लीजिए, या सिंपल वाले अगर कुल्फी मोल्ड है उनमें जमा लीजिए, किसी में भी आप कुल्फी को जमा सकते हैं। मैं आपको असली तरीके से पूरा असली मेथड बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये मोल्ड लिए। और इसमें हम डाल देंगे इस तरह से एक स्टिक लकड़ी की और बस इस तरह से मोल्ड को यहाँ पर फिट करते जाएंगे, जिससे कि फटाफट फटाफट हमारी कुल्फी जमनी शुरू हो जाए। तो सारे ही मोल्ड हम इसी तरह से फिल कर लेंगे, उसके बाद फ्रीजर में रख देंगे। तो ये लीजिए, मैंने सारे ही कुल्फी मोल्ड को तैयार कर लिया है और 2 पेपर ग्लास में भी कुल्फी के मिक्स को भर लिया है। थोड़ा सा बचा था तो मैंने पेपर ग्लास में डाल लिया है। चलिए, सभी को रखने होगा हमें फ्रीजर में लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, जिससे बिल्कुल बढ़िया से सब चीजें सेट हो जाए। और ये लीजिए, हमारी रबड़ीदार मलाई कुल्फी बिल्कुल बढ़िया सेट हो करके तैयार है। बहुत ही कम टाइम लगा है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर ये जम करके तैयार हो गई है। ये देखिए परफेक्ट। और बस अब आप लीजिए ये कुल्फी वाला मोड, इसे पानी में इस तरह से घुमाइए जैसे ठेले वाला करता है ना, पानी में एक बार डिप करता है, और बस ये इस तरह से धीरे से हम निकाल लेंगे। लीजिए, हमारी रबड़ी मलाई कुल्फी है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन टेक्सचर, बिल्कुल बनी है ना वही ठेले वाले जैसी, कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब याद आ जाएगी आपको अपने वही बचपन की जो घंटी बजती थी कुल्फी की और हम सब भागते थे बाहर लेने के लिए कुल्फी। और मेरी गारंटी है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इसके बाद कभी बाजार से खरीद कर नहीं खाएंगे, घर में ही कुल्फी बनाएंगे, एकदम शुद्ध आपके अपने हाथों की बनी हुई, स्वाद के बाजार की ठेले की भी फेल हो जाए। ये जो इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं ये इसी वजह से आया, जिस प्रोसेस से हमने इसको बनाया है ना, शुद्ध दूध मावा और जिस तरीके से इसमें कैरमल करके शुगर हमने डाली, तो इससे जो कलर आया है, इससे सिर्फ कलर ही नहीं इसका टेस्ट भी इनहेंस हो गया। तो जब आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको लगेगी, घर में सब तारीफ करेंगे। एकदम रबड़ीदार बनी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं है। ये देखिए, मुंह में जाते ही घुल जाएगी और एक बाइट खाते ही पूरा रबड़ी का फील आएगा मुंह में। यह है असली वाली ठंडी ठंडी हमारी ठेले जैसी
मलाई कुल्फी जरूर जरूर बनाइए। और ये देखिए ग्लास वाली भी कितनी बढ़िया बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ओरिजिनल रबड़ी मलाई कुल्फी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 दिल खोलकर लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपके अपने चैनल कुक विद फार्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह आप मेरी सारी रेसिपीज की डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश में मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।